आपने ओपन कंटेनर इनिशिएटिव के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो समझ जाएंगे इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही जल्दी। ओपन कंटेनर इनिशिएटिव एक इंडस्ट्री कंसोर्टियम है जो कंटेनर फॉर्मेट्स और रन टाइम स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए बना है। ओके, ओपन कंटेनर इनिशिएटिव किस लिए बना है? कंटेनर फॉर्मेट्स और रन टाइम स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए। कंटेनराइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में, राइट? तो कंटेनर फॉर्मेट्स और रन टाइम स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करने के लिए बना है ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। ओपन कंटेनर इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है, जिससे यूजर्स डिफरेंट कंटेनर रन टाइम्स और प्लेटफॉर्म्स के बीच सीमलेस ट्रांजिशन कर सके। ओसीआई ओपन कंटेनर इनिशिएटिव 2015 में डॉकर, कोरओएस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट, वीएमवेयर और दूसरे प्रमुख कंपनीज के सहयोग से शुरू किया गया था। इन्होंने कंटेनर स्पेसिफिकेशंस डेवलप किया जिसमें इमेज फॉर्मेट और रन टाइम स्पेसिफिकेशंस शामिल हैं। ओसीआई के कुछ मुख्य कंपोनेंट्स जो है वो देखते हैं। पहला है इमेज स्पेसिफिकेशन। ओपन कंटेनर इनिशिएटिव का जो मुख्य कंपोनेंट्स है उसमें पहला है इमेज स्पेसिफिकेशन। इमेज फॉर्मेट को डिफाइन करता है ये, जो कंटेनर्स के तरह पैकेज होते हैं। ये स्पेसिफिकेशंस इमेजेस के इंटरनल स्ट्रक्चर, मेटाडेटा और फाइल सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करता है। ये स्पेसिफिकेशंस इमेजेस के इंटरनल स्ट्रक्चर, मेटाडेटा और फाइल सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करता है। क्या? इमेज स्पेसिफिकेशन। दूसरा है रन टाइम स्पेसिफिकेशन। रन टाइम स्पेसिफिकेशन रन टाइम एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है जिसमें कंटेनर्स एग्जीक्यूट होते हैं। इसमें कंटेनर लाइफ साइकिल, फाइल सिस्टम माउंट्स, नेटवर्किंग और दूसरे जो रन टाइम कंपोनेंट्स हैं वो शामिल है। ओसीआई के स्टैंडर्ड्स के इस्तेमाल से डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कंटेनर रन टाइम्स और टूल्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, जिससे वेंडर लॉक इन और कंपैटिबिलिटी इश्यूज कम हो जाते हैं। वेंडर लॉक इन और कंपैटिबिलिटी इश्यूज रिड्यूस होते हैं, तो काफी बढ़िया है। इससे कंटेनर इकोसिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन बढ़ती है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा इस वीडियो से कि ओपन कंटेनर इनिशिएटिव क्या है, लेकिन आपके मन में अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट मिलेगा इस चैनल को। और जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है सब्सक्राइब करने के बाद, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करते हैं तो ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, वरना हो सकता है कि काफ़ी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद।